नमस्कार जनप्रभा सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राउरकेला में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का किया उद्घाटन। बोले प्रगति के लिए औद्योगिक विकास के साथ साथ स्वास्थ्य सेवाएं जरूरी। चुनावी रैली में पीएम मोदी ने सीएम ममता बनर्जी पर साधा निशाना। कहा दीदी को दिन रात दिखती है पराजय, बंगाल में आएगा परिवर्तन। भाजपा ने जारी किया पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए घोषणा पत्र। हर परिवार के एक सदस्य को नौकरी और सीएए लागू करने का वादा। गृहमंत्री अमित शाह ने सोनार बांग्ला के निर्माण का किया वादा। बोले आयुष्मान भारत योजना और प्रधानमंत्री किसान कार्यक्रम करेंगे लागू। घोषणा पत्र में अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के लिए किया बड़ा ऐलान। का सभी बेटियों के लिए केजी से पीजी तक शिक्षा होगी मुफ्त। पीएम मोदी आज जल शक्ति अभियान का वर्चुअल करेंगे आरंभ। यूपी और मध्य प्रदेश के कई जिलों को सूखे से मिलेगी निजात। दिल्ली के एलजी को और ताकतवर बनाने वाला विधेयक आज होगा पेश। गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा में पारित करने का रखेंगे प्रस्ताव। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को दी खुली बहस की चुनौती। कहा बताएं कि दिल्ली में एलजी का शासन बेहतर कैसे। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। मुठभेड़ में जवानों ने 4 दहशतगर्दों को किया ढेर। अभियान जारी। घाटी में दहशतगर्दों के पास फिर पहुंची चीन निर्मित स्टील की गोलियां। वाहनों बंकरों और जवानों के रक्षा कवच किए गए और मजबूत। पेंगोंग से सेना हटाने के बाद एक बार फिर होगी भारत चीन वार्ता। गोगराबाद देवसोंग से वापसी को लेकर इसी हफ्ते होगी चर्चा। दिल्ली एनसीआर में आज और कल बारिश होने के आसार। मौसम विभाग ने तेज हवाएं चलने की भी जताई संभावना। हिमाचल के 4 नगर निगमों में चुनाव के लिए नामांकन आज से शुरू। इस बार पार्टी के चिन्ह पर होंगे चुनाव। 7 अप्रैल को होगा मतदान। उत्तराखंड के बाद कर्नाटक भाजपा में भी उठी बदलाव की आवाज। राज्य के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को हटाने की मांग तेज। भारत में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1,16,00,000 के पार, जबकि अभी तक 1,60,000 से ज्यादा लोगों ने गंवाई जान। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 47,000 नए मामले आए सामने, जबकि 213 की गई जान। अकेले महाराष्ट्र में मिले 30,535 मरीज। राजस्थान के जयपुर समेत 8 शहरों में रात 11 से सुबह 5 बजे कर्फ्यू जारी। दूसरे राज्यों से आने वालों के लिए आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य। राजधानी दिल्ली में आज से रोजाना 9 बजे तक लगेगा टीका। सभी अस्पतालों में तैयारी पूरी। कोविड नियमों पर सरकार सख्त। दुनिया भर में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 12,38,00,000 से ज्यादा। महामारी से अभी तक 27,27,000 लोगों की गई जान। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को हुआ कोरोना संक्रमण। संक्रमित होने के बाद बिरला को एम्स में कराया गया भर्ती। मनोहर लाल खट्टर ने 1,411 करोड़ की परियोजनाओं का किया उद्घाटन। बोले सबका साथ सबका विकास करने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध। बंगाल से ममता बनर्जी ने खुद को बताया मूर्ख। बोली प्रभावशाली अधिकारी परिवार का असल चेहरा पहचानने में हुई भूल। भाजपा के बागी विधायक बसन गौड़ा पाटिल ने किया दावा। बोले येदियुरप्पा का कर्नाटक नेतृत्व से बाहर किया जाना निश्चित। चित्रकूट जिले में भी जहरीली शराब पीने से 4 की गई जान। पुलिस और आबकारी विभाग के कई अधिकारी किए गए निलंबित। ओडिशा सीएम नवीन पटनायक ने एनआरआई लोगों से किया आह्वान। बोले मातृभूमि के पुनर्निर्माण में सहयोगी शक्ति बने विदेश में फंसे लोग। केरल भाजपा नेता शोभा सुरेंद्रन ने विपक्षी उम्मीदवार को बताया पूतना। का राक्षसों की तरह सबरीमाला मंदिर को मंत्री ने पहुंचाया नुकसान। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने वाहन कंपनियों को दी नसीहत। का साइबर हमले का खतरा, भांप कर आईटी सुरक्षा करें मजबूत। उत्तराखंड सीएम तीरथ सिंह रावत ने फिर दिया विवादित बयान। बोले लोगों को ज्यादा राशन चाहिए था तो पैदा करने होंगे ज्यादा बच्चे। तीरथ सिंह रावत ने ऐतिहासिक तथ्यों पर भी दिया अजीबोगरीब बयान। बोले 200 वर्ष तक अमेरिका का गुलाम रहा था भारत। दिल्ली नगर निगम के डॉक्टरों ने वापस ली अपनी हड़ताल। प्रदेश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए लिया फैसला। सीएम योगी ने विपक्ष पर लगाया किसानों को गुमराह करने का आरोप। बोले केंद्र और राज्य सरकारें किसानों की आय दोगुनी करने के लिए प्रतिबद्ध। सीएम शिवराज सिंह चौहान का महाराष्ट्र के गृह मंत्री देशमुख पर निशाना। बोले भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद दे देना चाहिए पद से इस्तीफा। तृणमूल कांग्रेस सांसद शिशिर अधिकारी बीजेपी में हुए शामिल। गृह मंत्री अमित शाह ने शिशिर को दिलाई पार्टी की सदस्यता। टीएमसी नेता शिशिर के भाजपा में शामिल होने पर बौखलाई ममता। बोली भाजपा बदमाशों और गुंडों की पार्टी, बाद में पछताएंगे शिशिर। देश में परिवारों पर कर्ज का बोझ बढ़ने का आरबीआई ने दिया हवाला। आरबीआई ने कहा भारतीय परिवारों की बचत घटकर हुई 10.4%। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने चंडीगढ़ में कोरोना टीका पर किया दावा। बोले मोदी सरकार ने 76 देशों को भेजी 6 करोड़ से अधिक खुराक। अशोका यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति ने जारी इस्तीफों पर दिया बयान। बोले संस्थापकों ने अकादमिक स्वतंत्रता में कभी नहीं किया
हस्तक्षेप। संघाई सहयोग संगठन के सदस्य देश आतंकवाद पर आए एक साथ, भारत पाकिस्तान समेत आठ देश करेंगे साझा आतंकवाद निरोधी अभ्यास। तमिलनाडु सीएम पलानी स्वामी ने डीएमके प्रमुख स्टालिन पर किया पलटवार, बोले सत्ता में टॉप पर पहुंचने के लिए करुणानिधि की तरह नहीं दिया धोखा। बांग्लादेश ने प्रधानमंत्री मोदी के दौरे पर सुरक्षा खतरे से किया इनकार, का कट्टरपंथियों के विरोध से मोदी की यात्रा पर नहीं पड़ेगा कोई असर। प्रियंका गांधी ने बीजेपी से सतर्क रहने के लिए असमी लोगों से की अपील, का चुनाव में कांग्रेस पर आरोप लगाकर ध्रुवीकरण के प्रयास में है बीजेपी। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने गृहमंत्री देशमुख पर दिया बड़ा बयान, का देशमुख को इस्तीफा देने की नहीं है कोई जरूरत। बीजेपी नेता और पूर्व सीएम फडणवीस ने शरद पवार पर बोला हमला, का इंटीरियर मामले में पूरा नहीं आधा सच बोल रहे शरद पवार। सीएम योगी ने होली पर घर जाने वाले यूपी के लोगों को दी बड़ी राहत, का होली की भीड़ को देखते हुए 200 अतिरिक्त बसें चलाएगा रोडवेज। ब्रिटेन से प्रत्यर्पण के बाद देर रात भारत लाया गया ड्रग्स तस्कर सरगना, अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स तस्कर किशन सिंह भारत में सप्लाई करता था ड्रग्स। मुंबई के पूर्व सीपी परमवीर सिंह ने सीएम उद्धव ठाकरे को भेजी चिट्ठी, गृह मंत्री देशमुख पर 100 करोड़ प्रति माह मांगने का लगाया आरोप। रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज की चैंपियन बनी इंडिया लीजेंड्स की टीम, फाइनल मुकाबले में श्रीलंका लीजेंड्स को 14 रन से दी मात। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंडिया ने 4 विकेट पर बनाए 181 रन, जवाब में 20 ओवर में 167 रन ही बना सकी श्रीलंका की टीम। खिताबी मुकाबले में युवराज ने 35 गेंदों में खेली अर्धशतकीय पारी, भारत की तरफ से यूसुफ और इरफान पठान ने 2-2 विकेट झटके। इंग्लैंड से टी20 सीरीज जीतने के बाद टीम इंडिया को लगा झटका, आखिरी मैच में स्लो ओवर रेट के कारण पीस का 40% लगा जुर्माना। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रभात। नमस्कार।